टाइम पहले शिक्षा के अंदर आठवीं तक बच्चा फेल नहीं होगा, जब आठवीं तक पढ़ ही नहीं पाएगा तो नौवीं तक कैसे पास होगा, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं एक शिक्षक हूँ जी, और मुझे इतना राइट नहीं है कि क्लास वन से एट क्लास तक किसी बच्चे को फेल कर दें जी। वो बच्चा स्कूल आए नहीं आए, उनकी अटेंडेंस मुझे पूरी करनी है, परीक्षा फल आठवीं पास की दे देनी है। ये आपकी सरकार की आठवीं क्लास तक के नई शिक्षा नीति है। आज तक बहुत दुख की बात है भाइयों, आप लोग को ये पता होगा कि नहीं होगा, आपके देश में 1947 में देश आज़ाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन 50 में लागू हुआ, 52 के बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम पूरे देश में लागू हुआ, और आज तक शिक्षा की परमानेंट कोई नीति नहीं बनी है पूरे देश में। इसका सबसे ज़्यादा असर कौन से समाज को पड़ता है? इससे सबसे बड़ा असर दलित कम्युनिटी के बच्चों को पड़ता है। एक मिनट आप सुन लीजिए, नई शिक्षा नीति के तहत वर्ल्ड बैंक का रुपया आपके देश में आया, वर्ल्ड बैंक का रुपया से पूरा 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर पूरे देहाती क्षेत्रों में प्राइमरी स्कूल बना दी गई, पूरे 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में पारा टीचरों की बहाली हुई, और पारा टीचर की बहाली करके शिक्षा में सुधार लाने का काम किया गया। आज करीब एक महीना से झारखंड में आंदोलन चल रहा है पारा टीचरों को, सरकार वहां की बीजेपी गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर रघुवर दास है, उनको लाठी बरसाया जा रहा है झारखंड में, और जालियांवाला बाग का सीन जो है झारखंड में किया जा रहा है, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है गवर्नमेंट को झारखंड के शिक्षा में सुधार के लिए। मैं बोल रहा हूँ कि पारा टीचर लोग इतने बड़े आंदोलन खड़ा किए हैं तो इनको बिहार के तर्ज पर, छत्तीसगढ़ के तर्ज पर पारा टीचरों को वहाँ मानदेय दे करके उनकी अस्थायी नौकरी कर दी जाए, और उसी तर्ज पर पूरे देश में परिपाटी लागू किया जाए ताकि आप एक शिक्षक हैं, और शिक्षक में बताऊं कि अभी शिक्षा मित्र शिक्षा प्रेरकों को करीबन 1,72,000 के आसपास को निकाल दिया गया था, तो अभी क्या बोलते हैं उसके ऊपर, कि जबकि क्या वो पहले अज्ञानी थे या अब ज्ञानी नहीं रहे हैं, क्या बोलेंगे उसके ऊपर? ये सरकार की सोची समझी साजिश के तहत उन्हें निकाला गया है, केवल मुंह से बोल देने से निकलेंगे वो नहीं, इनको कागजी प्रक्रिया भी पूरा करना पड़ेगा, आने वाला चुनाव प्रक्रिया है। अगर यदि ये सरकार की शिक्षा नीति रही तो हमारा एक एक स्कूल में, एक एक गांव में, एक एक मोहल्ला में शिक्षक होता है। इस बीजेपी गवर्नमेंट को, हमारे शिक्षक समाज के भाई लोग, शिक्षक लोग इसका जवाब देने का काम आगामी लोकसभा चुनाव में करेंगे, इसका खमियाजा बीजेपी गवर्नमेंट को भुगतना पड़ेगा। और इसका चेतावनी देते हुए आज मैं आपके साथ इंटरव्यू दे रहा हूँ, अगर यदि इस बीजेपी गवर्नमेंट नहीं जीती तो आज मेरा स्पीच को आप नोट कर लो, बीजेपी गवर्नमेंट को इसको केंद्र में सरकार बनाने के लिए चुल्लू भर ढकनी लेके भीख मांगना पड़ेगा एमपीओ को मिलाने के लिए, तब ये सरकार बनाएंगे। हमारे चैनल से बात करने के लिए धन्यवाद सर।